एक भारी भरकम व्यक्तित्व के धनी राजनेता दुर्गेश केसवानी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के टीवी पैनलिस्ट प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी अपनी साफगोई और हाजिर जवाबी के लिए माने जाते हैं, लेकिन जब विरोधियों पर तथ्यात्मक हमला करना हो तो टेलीविजन पर आपकी तासीर बदल जाती है, वे आक्रामक दिखने लगते हैं। दुर्गेश केसवानी ने बाल्यकाल से ही अपने पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से जुड़कर काम किया और सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहे। मुझे लगता है इस बच्चे का सम्मान नहीं हुआ इसलिए इसको रोना आ रहा है, या इसकी आवाज़ अभी बुलंद हो रही है कि भविष्य में इसका भी दखल अवार्ड से सम्मान होना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम छोटे बड़े पदों पर रहने वाले दुर्गेश केसवानी राजनीतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। मामला असहाय बच्चों की मदद का हो या रक्तदान का, थैलेसीमिया पीड़ितों का हो, दुर्गेश केसवानी हर जगह सबसे आगे नजर आते हैं। कुरीतियों कुप्रथाओं से आप लड़ने का गजब का जज्बा रखते हैं। कोरोना काल में आपने अपने सामाजिक कार्यों के जरिए कई लोगों की मदद की। सेवा कार्य आपको आपके समकालीन नेताओं में एक अलग मुकाम पर पहुंचाते हैं। दुर्गेश केसवानी, इनकी आवाज़ सुनकर तो मुझे अपने उद्घोषक होने पर थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। जय श्री राम। सबसे पहले तो सम्मानीय सदन अनुराग भाई का जोरदार तालियों से स्वागत, शेफाली जी का बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम दिख रहा है इसके पीछे की जो मेहनत है वह निश्चित रूप से अनुराग भाई की है, शेफाली जी की और पूरी टीम की है, दखल न्यूज़ की, जो इसके पीछे कई दिनों से मेहनत निरंतर करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले बधाई के पात्र ये हैं, और साथ ही साथ निश्चित रूप से आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस मंच से हमारे बड़े भाई कमल पटेल जी, अरविंद भदौरिया जी, शिव अनुराग पटेरिया जी, अनुराग उपाध्याय जी, निश्चित रूप से यह वह नाम है। मुझे लगता है कि आदरणीय शरद जी भी बैठे हैं यहाँ पे, पंडित जी भी बैठे हैं, आरिफ मिर्जा साहब भी बैठे हैं। मुझे अगर कभी टीवी पे अगर आने का जब किसी ने पहला मौका दिया होगा तो वो अनुराग जी हैं, और आज मैं जो यहाँ हूँ निश्चित रूप से अगर कहीं पे मैं गलत भी कहीं भी कुछ बोला होगा तो इनका निश्चित रूप से वो फ़ोन पलट के आ जाता है कि दुर्गेश भाई आपने यहाँ पे ये गलती की है। तो ऐसा इन्होंने मुझे धीरे धीरे मतलब सिखाया है, और जो उम्मीदें हैं निश्चित रूप से उस पर खरा उतरूंगा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। देखिए आज जो दखल परिवार की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, धन्यवाद के पात्र अनुराग जी हैं, शेफाली जी हैं और पूरी टीम है वो, जिसने पिछले कई समय से इस चीज़ को कार्यक्रम को सपोर्ट किया और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया है, विभिन्न विधाओं के लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उनको बधाई दें। और निश्चित रूप से यह सम्मान उस बोध का दायित्व भी कराता है, जो दायित्व है उसका भी बोध कराएगा, और साथ ही साथ जो जिनका सम्मान हुआ है उनको प्रोत्साहित भी करेगा कि और आगे अच्छा काम करना चाहिए।